रवीर साहब ने कहा लेकिन कर्म जो फल है, जब कर्म का जो फल है ये टलता नहीं है, कर्म गति टारे नहीं टली। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नहीं टली। कर्म को तो कोई अगर महापुरुष टाल दे संत तो टल सकता है, ऐसे कर्म नहीं टलता है बिना भजन ध्यान के। ध्यानाभ्यास करके इसे आप चला सकते हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको ताप, और यही मानुष दे समय हमने करू परमेश्वर में प्यार। तो भगवान कृष्ण गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग बताते हैं, अब गीता के चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग बताते हैं, अब फिर गीता के पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास योग बताते हैं। ये संन्यास क्या है जरा समझे, क्या लाल कपड़ा पहन लेने से कोई सन्यासी बनता है? नहीं। धोती कुर्ता पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता है? हाँ होता है। फुलपैंट शर्ट पहन करके भी सन्यासी हो सकता है, और लाल कपड़ा पहन करके भी सन्यासी नहीं हो सकता है। सन्यास, सन्यास का मतलब त्याग होता है, त्याग जब तक, और त्याग कब होगा? जब वैराग्य होगा, जब ये पता चलेगा कि हम सब दिन दुनिया में नहीं रहेंगे, रहेंगे सब दिन। सूर्यो मरी है, चांदो मरी है धरनी आकाशा, और चौदह भवन चौधरी मर गए, इन्हीं को का आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे, जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा, और मुई कर्म की भाष न काटे, मुई मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहता है, सो सब झूठी आशा, शरीर छूट जाता तो बोलता है मुक्त हो गए, शरीर छूटने से मुक्त होता है अंदर। अरे शरीर से मुक्ति हुई, कोई घर परिवार में मर जाता है तो शमशान घाट ले जाते हैं जला लेके लिए, ले जाते हैं जलाते हैं, खोर खोर के जलाते हैं, जला करके फिर जो मांस का दूसरा वगैरह रह जाता है उन्हें जलता है, तो फिर अग्नि ऊपर से डालते हैं, लकड़ी जो जल गई है उसको अंगारा इकट्ठा करके फिर उसको जलाते हैं खुर खुर करके, और फिर जब जल जाता है सब कुछ तो फिर ठंडा दे देते हैं, वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर वो राख को क्या करते हैं नदी में प्रवाह कर देते हैं। शरीर से मुक्ति, तो संसारी आदमी बोलता है कि मैंने सब कुछ जला दिया, खोल खोल के जला दिया, लेकिन आध्यात्मिक आदमी बोलता है भाई थोड़ा जला बहुत बच गया। क्या बोलता है? थोड़ा जला, ज्यादा तो बच ही गया, क्या बचा? बच गया भाई, स्थूल शरीर ने जला, सूक्ष्म शरीर तो रह गए, कारण शरीर रह गया, महाकारण शरीर भी रह गया, कैवल्य शरीर भी रह गया, तो ज्यादा बच ही गया। त्याग किसका करें, त्याग कैसे होगा? आया हम सुन रहे थे, जो द्रव्य के लिए, वस्त्र के लिए, अन्न के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए संन्यास लेता है, वो संन्यास पद से भ्रष्ट हो जाता है, उसको पाप लगता है। और जो आत्म शांति के लिए संन्यास धारण करता है, आत्म कल्याण के लिए संन्यास धारण करता है, उसका ही संन्यास धारण करना वास्तविक है, सार है। बड़े बड़े राजा महाराजा के बेटे सन्यासी होते थे? नहीं,
भगवान बुद्ध सन्यासी बन गए, भगवान महावीर बन गए, शंकराचार्य जी महाराज बन गए, गोरखनाथ जी महाराज बन गए और गोपीचंद बन गए, राजा महाराजा था। देखिए धन भी देखा था, महल अटारी भी देखा था, संसार का मान सम्मान भी देखा था, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, वो सन्यासी बन जाएगा तो लोग हंसेंगे, बोलो इसके पास तो कुछ था ही नहीं, और सन्यास टिकाऊ नहीं होता है, उसका पतन होता है। संसारिक पदार्थ मिलने के बाद, संसारिक वस्तु मिल जाने के बाद फिर भोग की इच्छा होती है। इसलिए संन्यास का अधिकारी होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कासाय वस्त्र का अधिकारी कौन होता है? कासाय का मतलब समझिएगा, कासाय क्या है देखते हैं, भगवान कपड़ा का रंग कैसा है, आग के समान है ना, कासाय। अग्नि में कुछ भी डालिए, घी डालिए, जौ डालिए, धूप लकड़ी डालिए, कुछ भी डाल दीजिए, सब कुछ सुहा कर देता है। जिन्होंने भजन करके जला दिया है, पापों को मनों को जला दिया है, अग्निवत हो गया है, वही कासाय वस्त्र का अधिकारी है। तो भगवान संन्यास का अर्थ त्याग बताते हैं, संन्यास है। त्याग कैसे होगा? शास्त्रों का चिंतन करिए, मनन करिए, साधना करिए, ध्यान करिए, सदगुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करिए। ध्यान करने से आप चलते हैं अंदर में, तो अंदर में कैसे चलते हैं, कहां चलते हैं? चलते हैं जब आप अपने आसनी पर बैठ जाते हैं, जप करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, आप चलना शुरू हो जाता है, आपकी आंख बंद रहती है, आप सामने में अंधेरा देखते हैं, कभी कभी भगजुगनी देखते हैं, आप देखते हैं भुक भुक करता है, कभी कभी दृष्टि की धारा एकाग्र होती है तो वहां पर आप बिंदु का दर्शन भी करते हैं, प्रकाश भी देखते हैं, कोई कोई चांद और सूरज भी देख लेते हैं, जो ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं। बाबा गरीबदास जी महाराज कहते घटे में गंगा, घटे में जमुना, घटे में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे, तारेंगे महाराज सतगुरु तारेंगे, घट में ही सब कुछ। तो संन्यास का मतलब हो गया त्याग। एक गुरु शिष्य थे तो गुरु जी बड़े त्यागी थे, कुछ लेते नहीं थे, लेकिन जो चेला नाम था ले लेता था। तो गुरु शिष्य जा रहे थे सत्संग करके एक जगह से, गुरु जी तो कुछ ले लिए लेकिन चेला नाम ले लिया, अष्टी मंच पर बैठे, अष्टी मंच खुल गया, उस पार पहुंच गए। अष्टी मंच का जो चालक था पैसा मांग रहे, उतरा ही दो, तो गुरु जी के पास पैसा तो था नहीं, चेला राम अपने पॉकेट से 10 रुपये निकाला और दे दिए, दोनों चलने लगे रास्ते में। तो शिष्य बोलता है गुरु से कि गुरु जी आपका कहते त्याग में बड़ा सुख है, त्याग में शांति है, त्याग से ही मोक्ष मिलता है, आप ही बताइए, नदी पार होने के लिए आप जहाज पर बैठे, आपके पास तो पैसा था नहीं, आप तो लेते हैं नहीं, आप तो त्यागी है, महा त्यागी, अगर हम भी आपकी तरफ त्यागी बन जाते तो पैसा कौन देता,
अभी बताइए। तो गुरु जी कहते बेटा तू समझा नहीं, तुमको बहुत समझाता तुम समझ में नहीं करता है। अरे बेटा तू नदी पार कैसे हुआ, 10 रुपयों का त्याग किया था ना नदी पार हुआ। बोला हाँ गुरु जी, 10 रुपये नहीं देते तो नदी पार कैसे होते। तो बेटा तूने 10 रुपया दिया तो नदी पार हो गया, थोड़ा सा त्याग किया तो नदी पार हो गया, मेरे जीवन में सब कुछ त्याग दिया है तो मैं महासमुद्र पार कर जाऊंगा। भगवान कहते त्याग शांति मिल गई, त्याग से शांति मिलती है। हाय धन करते रही। एक व्यक्ति दीक्षा लिया, एक अच्छे संत से दीक्षित हुआ। संत ने नाम जप करने के लिए बता दिया, हरि हरि जपना। तो हरी हरी उसके मुख से नहीं निकलता था, दिन रात बिजनेस व्यापार में लगा रहता था, नोट गिनते रहता था। वो जब क्या करता था, हाय 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 हाय, हरी हरी नहीं निकलता था मुख से। अरे हाय हाय सब दिन करते रहो। संसार का अंत नहीं है, है अंत। कबीर साहब कहते खाया बड़े समुद्र के रो, अपार न पावे कोई, अमर मर जाए हो डूबी के हो, मानिक पर के सोई नगरिया बाबर। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबर। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गाठी लाल, और गांठ खोल के परखे नाही, तासु भयो कंगाल नगरिया बाबर। तो ये गांठ क्या, जड़ और चेतन की गांठ। उपनिषद का लिखते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि से चिदंत सर्व संशया छियंते जास कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावर है। हृदय की ग्रंथि, हृदय कहाँ है, एक तो योग हृदय है और एक ये हृदय है हाड़ मनस का। तो कहते हैं योग हृदय की बात करता है, दोनों आंखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है इसको योग हृदय कहते हैं। यहां पर ले जाइए अपने आप को, आप सूक्ष्म शरीर से निकल जाइएगा, शरीर कारण शरीर से निकलिएगा, महाकारण से निकलिएगा, केवल शरीर से पार हो जाएगा। और हमारे गुरु महाराज ने कहा पार गमन ही सार भगति है। लोग पिंड दान करते हैं, हम लोग बोध गए थे तो एक जगह है जहां पिंड दान करते हैं, हाँ वो गुप्त गंगा गई है, वहां फल्गु नदी से गुप्त गंगा प्रकट हुई है। लोग कहते हैं, कहते हैं सीता जी का भी आश्रम है, वहीं से गंगा निकली है वो, और वहीं पर पिंड दान करते हैं। पिंड दान क्या है, पिंड कहते हैं शरीर को। आप शरीर में दो भाग है, एक पिंड भाग है दूसरा प्रमाण भाग है। तो पिंड दान का असल मतलब हुआ सब शरीरों से निकल जाना। जो सब शरीरों से निकल गया है उन्होंने पिंड दान कर दिया परमात्मा, जो परमात्मा ने दिया था परमात्मा को सौंप दिया। कबीर साहब कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी, और जसकी तस धर धीरी चरिया, झिरी झिरी बीत चरिया, यह चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैल किनी चरिया, झिरी झिरी बीत चरिया। लेकिन कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी, अब जैसे के तैसे परमात्मा जो दान दिया था लौटा दिया। तो दियम वस्तु गोविंदम तो मैं समर्पय, आपकी वस्तु को मैं आपको अर्पण करता हूं। समय कितना हुआ है, 9 बजने वाला। आप ध्यान कितने बजे से करते हैं, 10 बजे से ध्यान करते हैं।
देखिए जो ध्यानाभ्यास का क्रम चल रहा है इसी में पिंडदान होता है। पिंडदान वही आदमी कर सकता है जो ध्यान करेगा, इसलिए पूरी मजबूती के साथ बैठना चाहिए। हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री छोटू बाबा बड़ी मेहनत करके बेचारे ये पंडाल लगवाया है नहीं, और उनको क्या जरूरत थी, आप लोगों के लिए लगवाया है, समाज के कल्याण के लिए लगाया है, तो ये बहुत उत्तम कार्य है, ये बहुत उत्तम काम किया है। और अधिक से अधिक संख्या में लोग आवे और ध्यान सत्संग से लाभ उठावे, ये मानव जीवन में ऐसा मौका मिलेगा। ये काम मनुष्य के शरीर में ही कर सकता है, गाय भैंस हाथी घोड़ा देखते हैं, बकरी यहां बंधी हुई है, गाय भैंस बहुत तरह का जीव जंतु है, पक्षी है, वो सत्संग सुनेगा नहीं सुनेगा, ध्यान करेगा वो नहीं कर सकता है। मनुष्य ही कर्म जोनी है, और सब जितने जोनी है भोग जोनी है, उस भोग जोनी में सत्कर्म कहां होगा, इसलिए बड़ी लगन के साथ है। देखिए गृहस्थ का धर्म है ध्यान करने का भी, सत्संग करने का भी, पंच पाप से बचाने का भी। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं यज्ञ दान तप कर्म पाप दानी मनीषी नाम, यज्ञ दान और तप मनीषी को भी पवित्र करते हैं। सबको यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ मतलब सत्संग यज्ञ, दान करना चाहिए। दान भी तीन तरह का होता है, सतगुणी बढ़िया मन से दान देना, आधे मन से दान देना, गृहस्थ का धर्म है दान करना। वेद में लिखा है जो दान नहीं करता गृहस्थ, जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है, अपने कमाता है, अपने खाता है, वो अपना खून ही खाता है, केवल आघु केवल आदि, ऋग्वेद में मंत्र आया है केवल आघु केवल आदि, केवल आघु का मतलब समझे अघु मैंने भोजन करना। हमारे माता बहने भोजन बनाती है तो देखते हैं चावल तसला में डालती है तो क्या करती है, पहले दूध चावल अग्निदेव को दे देती है, फिर डालती है। पांच महायज्ञ की है गृहस्थ के लिए, गृह यज्ञ, निरी यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। देखते गौ के लिए ग्रास निकालते हैं, कुत्ता के लिए ग्रास निकालते हैं, चीटी है इसके लिए भी लोग देखते हैं आटा वगैरह गिराते हैं, उसको कौन खिलाएगा। एक जगह आया अपना राम जी, राम जी का धन राम जी के लिए नहीं है, श्री राम का जो धन है बल है वो श्री राम के लिए नहीं है, वो किसके लिए है। श्री राम का धन सबका धन है, उसी तरह से श्रीमान कौन होते हैं जिनके पास धन संपत्ति भगवान ने दिया है सबके लिए परमार्थ के लिए, वैसा समझते हैं मेरा नहीं है प्रभु का है, अब प्रभु का जो अंश है इसका अधिकारी है। इसलिए दान सबको करना चाहिए, दान से धन की शुद्धि होती है, बढ़ता है। थोड़ा सा बीज हम खेत में छिड़ते हैं कितना गुनाहों का केवल मिल जाता है। श्वेत राजा अपने जीवन में कुछ दान नहीं किया, जानते हैं बड़ी दुर्गति हुई, अपना ही मांस खाता था, फिर आकाश मार्ग में चला जाता था, क्यों जतरता था, रोज अपना मांस खाता था,
पूछा गया महाराज, महर्षि अगस्त ने पूछा तुम कौन हो? बोला वो राजा श्वेत है। बोले राजा श्वेत तो ब्रह्म लोक में रहता था, तुम्हारी गति कैसे हुई? बोला आप ही बता सकते हैं, मुझे भूख प्यास आती है, कार्तिक ने दान नहीं किया है, तुमने किसी को कुछ दिया नहीं तो अपना मान सीखो। तो दान का भी बड़ा महत्व होता है। यहां पर भी सत्संग हो रहा है, यहां भी खर्च है और आश्रम बनेगा तो आप ही लोग सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, तो इसके लिए भी सोचना चाहिए, दिल खोल करके देना चाहिए। इससे घटता कुछ नहीं है, और पैसा तो खर्चा ही होगा, बढ़िया काम में हो जाए चाहे घटिया काम में हो जाए। 1 जनवरी को बहुत सारे लोग आ जाते हैं कुपाघाट, भीड़ लग जाती है। एक सत्संगी बॉम्बे से आए, बहुत पैसा वाला है, हमारे कमरे में आए, प्रणाम किए। मैंने पूछा कि आप लोग कहां से आए? तो बम्बई से। तो लोग 1 जनवरी को पिकनिक मनाने जाते हैं तो आप नहीं गए? बोले नहीं बाबा, मैं पिकनिक नहीं मनाता हूं, मैं कुप्पेघाट में अपना गुरुद्वारा में पिकनिक मनाता हूं। हमको बड़ी खुशी हुई, पूरा फैमिली, पूरा परिवार, पूरा परिवार हो गया। तो दान भी करना चाहिए। हरिद्वार में सत्संग मंदिर जो बना गंगा जी के किनारे सब सरोवर में, तो पंखा लगने की बात थी वहां। तो एक सत्संगी ने किसी शिष्य से कहा कि महाराज एक पंखा भी दान कर दो, तो बाजार चला गया वो, पहले आश्रम देख दिया और बाजार से 2 दर्जन पंखा खरीद कर मंगवाया, गुरु महाराज को चढ़ा दिया। तो मैं देख करके दंग रह गया भाई, बोला क्या इसमें? बोला पंखा है बाबा। बोले कितना पंखा है? बोले 2 दर्जन। सत्संगी बोलता है बाबा देखिए ना, मैं एक मांगा तो 2 दर्जन पंखा खरीद कर लिया है। बोले देंगे तो एक को क्या देंगे? देखिए ऐसे ऐसे दाता भी है। तो दान करने से अंतकरण की शुद्धि होती है, इसलिए सतोगुणी दान, तमोगुणी दान और रजोगुणी दान होता है ना। एक दान तप कर्म, तपस्या भी करना चाहिए, साधन करना चाहिए और इसी जीवन में मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना तपस्या का जीवन सफल नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी महाराज तप करके संसार का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु भी तप करते हैं, अब भगवान शंकर तप करके दुनिया का संहार करते हैं। तो बिना तपस्या का भी जीवन सफल नहीं होता है, इसलिए इसे भी जीवन में करना चाहिए। समय हो गया है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री शंकर महाराज।